मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उत्तर प्रदेश के देवरिया में पूर्व सांसद स्वर्गीय हरिकेवल प्रसाद कुशवाहा की श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों को मौका दिया, लेकिन उसकी उम्मीदों पर कोई भी सरकार खरी नहीं उतरी। उन्होंने भरोसा जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। इसके पहले यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उस सरकार के कामकाज को भी आप लोगों ने देखा है और आप लोग इतना ऊब चुके थे कि आप लोगों ने कहा चाहे जैसे भी हो बहुजन समाज पार्टी की सरकार जानी चाहिए और समाजवादी पार्टी की सरकार आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को तो आप लोगों ने 2002 से ही बर्दाश्त दे दिया और मैं तो कहता हूं कि अब 14 वर्षों का बर्बाद पूरा हो गया है 2002 से लेकर 2016 अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता ने भी फैसला कर लिया है।